तो ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, मैं कोई मार्केटिंग के बारे में आपको ज्ञान नहीं देने वाला यहाँ पे। मैं सिंपली बताऊंगा आपको लॉजिस्टिक्स का आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। B2C स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, ये ऑलरेडी कर रहे हैं और अपनी इनिशियल जर्नी में है और चैलेंजेस आ रहे हैं कि उनके कस्टमर जो है एक्विजिशन कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। होता क्या है कि जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम हम देखते नहीं है कि हमें कि किस लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को अपना एक डिफाइन करके चलना है जो अच्छे तरीके से हमारे को डिलीवरी दे सके और एक उसका जो बेस्ट सर्विस लेवल है वो हमारा बेनिफिट हो सके जब हम कस्टमर्स के पास अपना प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। तो होता क्या है कि हम ज़्यादा सस्ते की तरफ, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा खर्चा करते हो मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग स्पेंड आपका बहुत ज़्यादा होता है, आपका टीम हायरिंग में होता है, प्रोडक्ट में भी होता है, लेकिन जब शिपिंग की बात आती है आप सोचते हो कि सबसे सस्ता शिपिंग पार्टनर चाहिए। तो आपको ऐड भी ऐसे ही दिखाए जाते हैं कि आप ले लीजिए 9 रुपये किलो, फंस के क्या करते हो अपने प्रोडक्ट का पूरा एकदम तरीके से पूरा इमेज खराब करते हो, क्योंकि वो सर्विस कभी भी आपको ऑन टाइम डिलीवरी नहीं देगी। और आप जैसे पता नहीं कितने प्लेयर मार्केट के अंदर हैं, हो सकता है सेम प्रोडक्ट या उसके जैसा प्रोडक्ट कुछ आपका कर रहे हो और आपका कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे आपको ओवरकम करना है, आपको सबसे फास्टेस्ट मोड आपको यूज करना है डिलीवरी के लिए, दैट इज एयर कार्गो। बाई एयर ही आपको शिपमेंट्स अपने डिलीवर करानी है, चाहे वो COD हो या नॉन COD हो। क्यों कराना है, क्योंकि जब कोई ऑर्डर आपके पास आता है तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्पटेशन होती है कि उसने आपका एडवर्टीजमेंट देखा या आपका पोस्ट देखा या कुछ वीडियो देखा, किसी भी तरीके से आपका जो है क्लिक करके वो आपका उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और इनिशियली आपको मैक्सिमम COD ऑर्डर्स मिलेंगे या फिर प्रीपेड ही मिल सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर नहीं होता है तो उसका RTO रिटर्न टू ओरिजिन वापस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर कस्टमर कई बार टेम्पटेशन में ऑर्डर तो कर देता है लेकिन 24-48-72 घंटे के बाद वो उसका माइंड मेकअप नहीं रहता उस तरीके का, वो चेंज होने लगता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कराना है और आपको कुछ ना कुछ USP होगा, लेकिन उस USP को एक्सपीरियंस कराना है कस्टमर को। वो कैसे होगा, जब वो पार्सल आपका डिलीवर हो जाएगा तो उसको डिलीवर कराइए फास्टेस्ट वे में और ईजीली जब वो पहुँचेगा तो आपका कस्टमर का जो रिएक्शन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा और वो कहीं ना कहीं कस्टमर आपका रिटेन रहेगा, रिपीट होगा, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम से कम होगा और जो आप ROS तो वो अच्छा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए वीडियोस आते रहेंगे। आपको कुछ भी चाहिए जानकारी कमेंट कीजिए, आई विल सपोर्ट यू, आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एंड हेल्प। लॉजिस्टिक्स में कोई भी आपको कोई भी इशू हो, कोई शिपमेंट लॉस्ट को लेके हो, किसी तरीके का हो, डैमेज को लेके हो, रिटर्न को लेके हो, कोई लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से आपको डिस्प्यूट है, कुछ भी हो, सो आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। बाकी एयर कार्गो सर्विस आपको चाहिए कमेंट डाउन और मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ।